26 फरवरी को वज़ीर-ए-आला पंजाब का मनसब संभालने के बाद मरियम नवाज शरीफ हुकूमत ने 100 रोज़ा क्लीन पंजाब मुहिम का ऐलान किया। इस मुहिम के हवाले से अगर रावलपिंडी का जायजा लिया जाए तो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कचरा, गंद और बदबू अपनी पूरी आन बान के साथ जलवागर है। शहर के इलाके ढो कसू में रिहायशियों, पैदल चलने वालों, चिंची रक्षों और मोटरसाइकिलों पर सफर करने वालों की जिंदगी गंदगी के इस ढेर ने अजीरन कर रखी है। नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं, नालियों में गन फेंक देते हैं, किसी को परवाह भी नहीं है। बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। इलाके के जो समझदार हैं, बड़े लोग, उनको भी पता है। गरीब लोगों का कौन सरोकार है, हर जगह जलालत है। तजावजात की वजह से शहर के इलाकों चाह सुल्तान, गंज मंडी, राजा बाजार, भाबड़ा बाजार, इकबाल रोड, जामे मस्जिद और बन्नी से गाड़ी तो दरकिनार, पैदल चलना भी जुए शीर लाने के बराबर है। शहर के मरकजी और अहम इलाके लियाकत बाग से उठने वाली बदबू और ताफुन यहाँ से गुजरने वालों के दिमाग और आसाब को मुतासर कर रही है। बदबू लियाकत बाग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस डंपिंग ग्राउंड से उठ रही है, जहाँ शहर भर से रोजाना 600 टन कचरा पहले फेंका जाता है और बाद में उठाकर एक दूसरे कचरा घर को मुंतकिल किया जाता है। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।